आप
से, तो इसको हम थोड़ा रोटेट कर लेते हैं, जैसे वहाँ को ही हम इसको रहने देते हैं। कुछ ना हमें पोस्टर्स में ना जरूरत पड़ती है कुछ ऐसी शेप्स वगैरह भी यूज करने की, तो आप इनको भी आसानी से यूज कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपको ये मुनासिब लगे वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा और क्रॉप कर लेते हैं। सुपर इजाफी आ रहा है उसके बारे में आपके परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसका भी हम लोग सेट कर लेंगे। ठीक है, पहले हमने कोशिश करनी है कि अपनी शेप को सेट करें, देन हम उसको सेट कर लेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं रोटेट कर लूंगी। जी, जैसे हम जगह मैंने यहाँ पे इसको सेट करना है, तो इसमें ये जो पार्ट है ना, अभी हम इसको रिमूव कर लेंगे। बहुत सिंपल सा मेथड है। आपने क्या करना है, आपने एक शेप लेनी है, ये वाइट वाली ही हम शेप लेंगे। इसको यहाँ पे एडजस्ट कर ले, ठीक है, यहाँ पे इसके कॉर्नर पे। इस पे करने के बाद दोनों को हम लोगों ने कर देना है मर्ज, ये जो दोनों ऊपर वाली लेयर्स है, ठीक है, इस पे मर्ज करते। मर्ज करने के बाद आप इसका सिंपल कलर रेज करते। थोड़ा सा बस इसी कॉर्नर से रह गया है, लेकिन आप इसको ना सेट कर लीजिएगा, कोई इतना मसला नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो अब अगर हम इसका कलर चेंज करते हैं, ग्रेडियंट में ही ले लेते हैं, और जो हमने बैकग्राउंड में कलर रखा है ना वही इसका रख लेते हैं। तो ये देखिए, ठीक है, तो इस तरह से भी आप डिफरेंट टाइप्स की शेप्स वो बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इसको जहाँ पे चाहे, जिस तरह से भी चाहे आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारी जो है शेप बन चुकी है। इसको मैंने थोड़ा सा मजीद जो है ना वो ठीक कर लिया। आप ये देखिए, अगर हम ना इसको एडजस्ट करना चाहे ना यहाँ पे, ये जो हमने, तो इसको हम आसानी से जो है यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा सेट कर ले ताकि ये थोड़ा सा इसके साथ बेहतर लगे। तो ये देखिए, इस तरह से आप जैसे चाहें तो अपने अट्रैक्टिव जो है बैकग्राउंड्स बना सकते हैं। तो ये जो कर्व्स के रिलेटेड जो है टिप्स है कि अगर आपको ऐसे कर्व्स बनाने हो तो वो पिक्चर ऐप को यूज करते हुए कैसे बना सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट जो हो यूज कीजिएगा, और इसकी जो मास्क वाली केयर है इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस होगी ना उतना ही आप बेहतर तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो दरमियान में आपका जो भी पोस्टर है उन सबको ऐड करके तो आप डाटा वगैरह जो है सेट कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा आसानी से। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। अगर आपको कोई भी सवाल होगा इसमें से तो वो पूछ लीजिएगा।